कहना चाहूंगा सबसे पहले उन लोगों से, उन स्वार्थी लीडरों से कहना चाहूंगा जो इस भारत का संविधान बदलने की भाषा करते हैं कि जैसी बंदूक से निकली गोली, जैसी बंदूक से निकली गोली कभी वापस आ नहीं सकती, वैसी नीचे की ओर बहने वाली नदी कभी ऊपर बह नहीं सकती। जैसी बंदूक से निकली गोली वापस आ नहीं सकती, वैसे नीचे की ओर बहने वाली नदी कभी ऊपर बह नहीं सकती। अरे जैसे मरे हुए मुर्दों में जान कभी वापस आ नहीं सकती, वैसे हमारे बाप के कलम से लिखी हुई वो कानून की किताब किसी से लिखी जा नहीं सकती। और इसीलिए कहना चाहूंगा संविधान दिन जी का बदलने वालों, अरे संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। कहना चाहूंगा क्या कि खून का एक एक कतरा जलाकर जो भीम जी ने संविधान लिखा है, खून का एक एक कतरा जलाकर जो संविधान भीम जी ने लिखा है उसको हम बदलने नहीं देंगे। अरे ये हमारे भीम जी का ईमान है, ईमान को ढलने ना देंगे। अरे इसके लिए चाहे जान अपनी दे देंगे मगर भीम जी का लिखा संविधान कभी बदलने नहीं देंगे। तुम कितने नादान हो, तुम कितने नादान हो। संविधान भीम का बदलने वालों, पहले भी जैसा लाल बता दो जो बुद्धि से माला माल हो। संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। संविधान भीम जी का बदलने वालों, तुम कितने बड़े नादान हो। कहते हैं कि जो भीम जी ने संविधान लिखा है वो कच्चा है, मगर गलत कहते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मतलबी स्वार्थ के लिए कहते कान कच्चा है, कहते कान कच्चा है, कहते कान कच्चा है। 200 साल गुलामी की जंजीर पहनने वालों, अरे तुम्हें पता भी है कि गोरे लोगों ने तुम्हें क्या सिला दिया। 200 साल तक गुलामी की जंजीर पहनने वालों, तुम्हें पता भी है कि गोरे लोगों ने तुम्हें क्या सिला दिया।
अनपढ़ गवार कहकर तुम्हें जहर का घूंट पिला दिया, मगर मेरे भिंजी ने तो इस देश का संविधान लिखकर उन गोरे लोगों को भी हिला दिया। इसीलिए कहते कान कच्चा है, कहते कान कच्चा है, कहते कान कच्चा है। जिसने इसको दिल से आजमाया, जिसने इसको दिल से आजमाया, वही कहते ये कान सच्चा है। संविधान दिन बदलने वालों तुम कितने बड़े नादान हो, संविधान दिन का बदलने वालों तुम कितने बड़े नादान हो। चाहूंगा उनकी बदौलत राज करने वालों क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। उनकी बदौलत राज करने वालों क्या खोया क्या पाया है। क्यों कह रहा हूं, दूसरा संविधान लिखने वाला कोई माइका लाल मेरे भिंजी जैसा ज्ञानी चाहिए। अरे भिंजी भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उनकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए। बिना स्वार्थ के संविधान लिखकर देने वाला ऐसा भिंजी जैसा दानी चाहिए। और आजादी के दिन दूसरे नेताओं की तरह मेरे भिंजी की जय जयकार भी होनी चाहिए। और इसीलिए ऐसा पदमा कर से मिट ना सकेगा, ऐसा भीम जी काम कर गए। जो बुद्धि से माला माला।